इवका अत्ती की सरकार बनेगी। अत्ती बीजेपी और बसपा दोनों का अंदरूनी समर्थन है। अच्छा, बीजेपी का भी? हाँ, बीजेपी का और अत्ती का अंदरूनी अंदरूनी। मुलायम सिंह तो सिद्धी नु का है। अक भाई लड़को से गलती हो ही जा। अच्छा। या का तरीका है उसका कहने का? हेलो जी, नु कह रहे लड़को से गलती हो जा, कहाँ गए समाजवादी वाले? अरे कहाँ गए समाजवादी वाले? समाजवादी वाला सारा भाग गए। अच्छा। सारा भाग गए सबका। समाजवादी वाले कभी भागने के नहीं जी यहाँ से। अच्छा। कभी नहीं भागने के। साइकिल में पंचर हो गए इसलिए चले। साइकिल को हाथों पे ढाके लेके चले गए। चलो अपना तो जब किसी का पंखा खुला था, किसी का मोटर खुला था, अब खुलवा के दिखा दो। क्या लग रहा है आपकी बात? इनका बीजेपी आ रही होगी। बीजेपी योगी, योगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। दूसरी जो चरण होने वाला है 14 फरवरी में, देवबंद में मौजूद है। देवबंद विधानसभा है और सालापुर गांव है। जनता आप देख सकते हैं, जैसे ही हम आए तो भीड़ यहां पर इकट्ठी हो गई। अब बातचीत है 2022 की राजनीति को लेकर कि अब की बार 2022 में किसका बटन दबने वाला है, क्योंकि तमाम पार्टियां कह रही हैं कि जीत अब की बार हमारे पाले में है। और यहां से अगर जो मैं आपको बात करूं, देवबंद विधानसभा से कुंवर बृजेश हैं जो बीजेपी से वर्तमान विधायक हैं, और दूसरी तरफ कार्तिक राणा हैं, और तीसरी तरफ अगर जो देखा जाए बसपा से जो हैं वो उम्मीदवार हैं राजेंद्र सिंह। अब देखते हैं कि जनता किस पर मोहर लगाएगी, किसको जिताएगी और किसको लखनऊ पहुँचाएगी, यही बातचीत करते हैं। क्या लगता है जी अब की बार भाई साहब क्या होने वाला है? अखिलेश की सरकार आएगी। अखिलेश यादव जी की? जी हाँ। ऐसा कौन सा काम बढ़िया लगा? हमारे यहाँ कुछ भी काम नहीं दिख रहा है। अच्छा। आपको देखा सड़क देखो, मंत्री हमारी कैसी बनी हुई। जब भी यहाँ आया विधायक रात को आया, दिन में कभी नहीं आज तक क्या आया। क्यों, ऐसा क्या कारण हो गया? वो तो कह रहे हैं मैं सारे गाँवों में जा लिया, सभी लोगों से मिल लिया। वो चोर है इसलिए नहीं आया यहाँ पे। आता दिन में आता हूँ यहाँ काम कराने के लिए। हाँ, रात में आया चुपचाप। हाँ, इधर नहीं आया हमारी तरफ नहीं आ रहा, दूसरे महल में आया, यहाँ नहीं आया। अच्छा, कार्तिक जी है समाजवादी पार्टी और आरएलडी से, क्या लग रहा है अब की बार उनका कितना जोर रहेगा? 80% रहेगा इधर से। 80% जीत भी जाएंगे? नहीं भी जीतेंगे 100%। कह रहे अब की बार ना रही हो बैम में, मेरी सीट नहीं। वो जीत का नहीं आया, बगैर जीतते तो कैसे आ जाएगा यहाँ पे? अच्छा। हाँ, 5 साल में एक दो बार तो देखे होंगे? नहीं देखे ही नहीं, हमने देखा दिखे ही नहीं आज लोग, नहीं आज तक के है जी, दिखे नहीं आज लोग। नहीं नहीं है भाई साहब, यहाँ नहीं दिखे कहीं भी। क्यों, क्या बात होगी ऐसा? क्या नाराज है? आप तो नाराज है जी? यहाँ नाराज ही जब नहीं आ रहे यहाँ से। अच्छा। हाँ, अन्य अगर नाराज ना होते तो यहाँ काम आते। अच्छा। और ये टूटी हुई सड़क जो दिख रही, हाँ, इस पर कुछ रोड बनवा खिलाते हुए। अच्छा। हाँ, अरे बीजेपी अब की बार नू कह रही है कि जो मुस्लिम है वो हमें वोट देगा। झूठ बोल रही है, बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो रहा है। अरे तब के वोट देंगे अब की बार तो? पता, अखिलेश को वोट देंगे। अखिलेश को? अखिलेश की सरकार आवेगी। अखिलेश पर बंधा हुआ है क्या मुस्लिम? हाँ, बंधा हुआ है, समझो वसीम का। अच्छा। हाँ, जीता का लागा जीत तो गायब का 100% है भाई साहब। 101% नू कह रहे भूल जाओ अब की बार, नू कह रहे इतिहास रचा जाएगा बीजेपी दौड़ का। 101% अखिलेश की सरकार आ रही सिद्धि। अखिलेश की सरकार बिल्कुल बढ़िया रहा उनका काम? बेहतरीन वाला उनके काम, मत दिक्कत ही नहीं है। अच्छा। जब ये तक लेस की ला रहे, पिघरी गुंडागर्दी खत्म कर दी, फ्री राशन दे रहे, रोडे बढ़ा दी, इतना सारा विकास ला, गुंडागर्दी किसी के मन खत्म होती, सब इस तरह चलता रहा। पर हमला हो गया, गुंडागर्दी खत्म हो रही है और हमले हो रहे रातों रात। का नाम ये जो इसकी का नाम बीजेपी नहीं इसकी इसकी चमारों की लड़की को रातों रात जला दे बसपा की, दलितों की, दलित समाज की लड़कियों को। अच्छा। और कह रहे गुंडागर्दी खत्म होगी। तो क्या लग रहा है अब की बार किसे वोट दो? पतंगा होगी, पतंग 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 भी उड़ेगी, उड़ेगी पतंग भी। है भाई पतंग ही, अब का तो माहौल बदल जाएगा जी, पतंग हो अब का तो। तू कह रहे बीजेपी की पार्टी है, रातों रात पतंग होगी, बीजेपी की पार्टी बता रहे। अच्छा। है जी, कौन कह रहा बीजेपी पार्टी? अरे बीजेपी की पार्टी है। अब के तो बाइसाइकिल आएगी 2022 में। अच्छा। हाँ, बाइसाइकिल 100%। अरे पतंग उड़ेगी? नहीं उड़ेगी पतंग भी, कोई नहीं पतंग नहीं उड़ने की, उड़ने की नहीं, नहीं। अब के साइकिल आएगी, साइकिल साइकिल। अरे पंचर हो गया साइकिल में? नहीं हुआ पंचर। हाथों में ढाके लेके चलेगा साइकिल को, हाथों में ढाके। हाँ जी, कह रहे नलके में तो हो गया पानी आना बंद और साइकिल में हो लिया पंचर। हाथों में ढाके चलेंगे साइकिल को, हाथों में उठा के ऊपर जी
जी तो मैं जाएगी जी। देखो बीजेपी का आप काम देख लो, बीजेपी का काम जब हम यहाँ से गांव से हाजी क्या बात लग रही है, अब की बार क्या होगा, पतंग चलेगी, सहभागीदारी मोर्चा जिंदाबाद। अच्छा। और कट लिया मामला, मोर्चा नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, मंच थोड़ी ना है तुम्हारा, हो क्या लग रहा अनु कह रहे पतंग का अब की बार मांझा भी खत्म और पतंग भी खत्म। पतंग का मांझा जिस वक्त गले पे आता है ना तो गला भी एक तरफ पटकड़ जाता है। अच्छा। तो इसी तरह होगा, पतंग सबको काट देगी। अच्छा। अखिलेश यादव नु कह रहे बीजेपी की बी पार्टी है यू, अखिलेश बीजेपी बी पार्टी, उसकी भाभी बीजेपी में चली गई। अच्छा। हाँ। वो अपने घर को रोक लो ना। अच्छा। उसका घर नहीं रुक रहा उसमें खुद, तो वो और क्या हुकूमत करेगा, उसकी भाभी ने उसके कब्जे में है। भाई साहब जी ये देखो नु कह रहे परिवार टूट जी, साइकिल दौड़ेगी बीजेपी का काम देख लो, जब यहाँ से हम पढ़ने के लिए देव बन जाते है ना तो तेर के जाना पड़ता है यहाँ पे, पानी इतना अड्डे पे हो रखा जी पानी। अच्छा। जी बीजेपी मैं तो नुकरे इतने काम कर दिया, रोड बना दी, सारे काम बढ़िया जी, घंटा काम कर दिया उन्हें बीजेपी ने, कुछ भी नहीं करा। और साइकिल 102% साइकिल आवेगी यहाँ से, 102% 103%। अच्छा 103 बढ़ा जी, 200% साइकिल आ रही थी जी, तीसरे नंबर पर साइकिल, तीसरे जिस दिन वोट के रण जाएंगे इनका दिल सबका कुल कुल मिलाकर जो पतंग बना के रहना चाहो देख लिए, देख ही ना क्या हो जाएगा, देख साइकिल ही होगी क्या जी। लो जी भाई इधर भी भीड़ है, हाँ जी भाई साहब क्या लग रहा है आपकी बार क्या होगा, बीजेपी 300 के पार, बीजेपी 300 के पार। अच्छा 100% सरकार। अरे कार्तिक कार्तिक पतंग उड़ाएंगे, कार्तिक कुर्ति करते रले फिर रहे सारे। अच्छा। कार्तिक कुर्ती और रले ले जा रहे के सारे, कार्तिक तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हाँ, बीजेपी पहले नंबर पर जी 300 के पार। नु कह रहे काम तो कौन सा करा नहीं यार, रोड देख लो कैसी खराब हो रही, तैर के जाना पड़ रहा है, रोडों से मतलब नहीं, 300 के पार। अच्छा हाँ, नु कह रहे रोड पर तैर के जाना पड़ रहा, कोई बात नहीं, 24 से भी ज्यादा नीचे गड्ढे हो जाए लेकिन बीजेपी 300 तो पार। ऐसा क्या दे दिया बीजेपी ने, मुफ्त सब कुछ दे रखा है बीजेपी, कुछ दे रखा है 24 घंटे बिजली। कौन सा काम बेहतर लगा बीजेपी का, सारे ही कह रहे गुंडागर्दी इतनी हो रही है वहाँ जला दी, वो ही नहीं रही गुंडागर्दी चरम पे बीजेपी सरकार में। अच्छा। गुंडे जितने इधर उधर के थे वो सब बीजेपी में शरण लिए हुए हैं, बीजेपी में भर्ती हो, बीजेपी में सारे गुंडे इधर उधर के इकट्ठे होकर बीजेपी में, बीजेपी में भर्ती कर दी, सारे जहन्नुम बता दिए गुंडे जितने सारे जहन्नुम बता, जहन्नुम में जा लिए सारे, क्या सुनो क्या जहन्नुम में जा लिए, क्या गुंडे क्या क्या हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है बीजेपी को। अच्छा। हिंदू मुस्लिम बीजेपी के इसके सिवा आई नहीं कुछ भी। गुंडे गुंडे क्या एक ही समाज में थे, एक ही समाज में थे, एक ही समाज तू कह रहे जहन्नुम में जा लिए सारे, एक ही समाज के तो पूछे ना क्या, राजा भैया क्या जिंदा गुंडा नहीं है, कितनी धाराएं लगी उसमें, वो क्यों नहीं अंदर करा, जो अभी पीलीभीत में कांड हुआ आतंकवादी घटना वो कौन लोग थे, आतंकवादी घटना है वो कौन लोग थे, वो बीजेपी के थे नहीं है जी, मुलायम सिंह तो सिद्धी नु का है, अक भाई लड़कों से गलती हो ही जा, ये कहाँ का तरीका है उसका कहने का, हेलो जी नु कह रहे लड़कों से गलती हो जा, कहाँ गए समाजवादी वाले, अरे कहाँ गए समाजवादी वाले, समाजवादी वाला सारा भाग गए, सारा भाग गए सबका, समाजवादी वाले कभी भागने के नहीं जी यहाँ से, कभी नहीं भागने के, साइकिल में पंचर हो गए इसलिए तो साइकिल को हाथों पे ढाके लेके चले गए, पतंग ही उड़ेगी भाई, पंचर अपना तो जब किसी का पंखा खुले था किसी का मोटर खुला था, अब खुलवा के दिखा दो क्या लग रहा है आपकी बार, इनका बीजेपी आ रही होगी, बीजेपी योगी योगी, ये लो जी हाजी ताऊ क्या लग रहा है, इनका अट्टी की सरकार बनेगी, अट्टी बीजेपी और बसपा दोनों का अंदरूनी समर्थन है। अच्छा। हाँ बीजेपी का भी, हाँ बीजेपी का और हाथी का अंदरूनी अंदरूनी, नु कह रहे हाथी बात ज्यादा महंगा हो, पालना बहुत भारी हो, पालना हो तो पढ़ रहा है, पढ़ रहा हो तो, हाँ पढ़ रहा हो तो, हाँ जी भाई साहब क्या लग रहा है, अजी लग रहा है माशाल्लाह पतंग वाला जीतेगा, वो वैसे जीतेगा पतंग वाला, हाँ पतंग वाला जी, सहारनपुर में 7 में से 5 सीट निकलेगी, बिका किसकी, बसपा की, बसपा की, हाँ कह रहे 7 में से 7 मार रही है, नहीं है जी 7 की 7 तो बीजेपी के पास है, बीजेपी के पास 7 की 7 कह रहे भूल जाओ, पक्का पक्का पक्का,
के खाते में सीधी सीट सपा बजा रही जी। बीजेपी वाले चोर हैं, चोर नुआ अब फ्री राशन दे रहे और सारे युवाओं की नौकरी खा गए, नौकरी नहीं दी आज तक, बताओ कौन सी नौकरी दी। अच्छा यार नौकरी कितने भाइयों को मिले आठा दियो एक बार, आजा आजा भाई आजा। हाँ भाई इंटरव्यू पूछने को पहले उसमें मुलायम सिंह की सरकार में किस पर नौकरी थी पूछो, मुलायम सिंह की सरकार में किस पर नौकरी थी कि 5 साल में अब होनी चाहिए 5 साल में, बाद में तो बीजेपी सरकार आई कितने को दे दी बाद में तो अगर कितने बेरोजगार हुए पूछो। अच्छा सुनो बात, अगर अखिलेश की सरकार में नौकरी नहीं थी अब इनकी बीजेपी की सरकार पूरी बहुमत के साथ आई तो उन्होंने एक नौकरी क्यों नहीं दी बताओ मुझे, ऐसी कौन सी नौकरी किसी युवा को नौकरी दी, बेरोजगार फिर रहे सड़कों पर और बता रहे कि राशन फ्री कर दिया राशन के, सुनो सुनो अपना नाम भी लिखना नहीं आता जो नौकरी पे गए सुनो है सपा की सरकार में गए मैं नौकरी पर कह रहे नाम भी नहीं लिख रहा होगा नाम नाम लिखना गए तो उसकी सरकार में तो नाम लिखे हो बिल ले रही हाजी यहाँ तो लेगा वहां तक लाइट देख सब योगी की देन है यार सब योगी लाइट लगवा दी सर योगी तो चोर चोर है योगी क्या अगर योगी ने लाइट दी तो उसके प्लांट किसने लगाए उसका भी तो बताओ उसके प्लांट अखिलेश सरकार ने लगाए कितने प्लांट लगाए उत्तर प्रदेश में 33 प्लांट लगे हुए हैं बताओ किस कहां लगाए उसने भाई राशन फ्री मिला दो दो एक महीने में दो बार पेंशन आ रही श्रम कार्ड और पैसे मिल रहे श्रम कार्ड आज तक किसी सरकार ने सपा सरकार जब हुई थी ना तो एक एक बच्चे को लैपटॉप दिया था इंटर पास को और इस बीजेपी ने 1650 भी दिया नहीं 1650 हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताओ जी तुम भी बताओ अपनी बात भाई बात है जी ये किसी पर भी कह रहे देंगे सब पतंग पे वोट ये किसी का भी नाम ले सबके हौसले बुलंद कर रहे देंगे सब पतंग पे वोट टाइम पे बीजेपी का बिल्कुल सफाया होना आपकी बार बीजेपी का सफाया भाई बीजेपी तो भाज की बीजेपी। अच्छा लो भाई भीड़ ज्यादा है एक थोड़ा सा पीछे को चले हटो हटो थोड़ा सा हटो भाई हटो हटो आज ही क्या लग रहा है जी क्या होगा अरे भाजपा जीत गई भाई भाजपा पक्की एक तरफा जो हमारा खुद मुख्यमंत्री हाँ जी क्या बोली आप बोली कह रहे लखनऊ रुकेगी लखनऊ फिर भीख मांग दे बीजेपी खत्म होगी रुक जाओ इब कहते योगी और मोदी जी कहीं सत्संग में ही बैठेंगे लो जी सत्संग में बता रहे अब योगी बड़े उपयोगी बड़े उपयोगी करवा कर आएंगे योगी बड़े उपयोगी ओहो भाई एक छोटा सा सवाल है थोड़ा सा शांति हो जाओ एक छोटा सा सवाल है जो अब की बार बीजेपी को वोट देगा वो हाथ उठा ले जरा एक बार और भाई अब की बार जो कार्तिक राणा को वोट देगा वो हाथ उठा लो तो भाई आपने देख लिया कि अब की बार क्या होना है और कैसे होना है एक बार ओवैसी जी के भी जो है वो हाथ उठा लो अपने तो भाई आपने देख लिया जनता थी जिन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि अब की बार क्या होना है सालापुर में थे डिबेट ज्यादा तगड़ी हो गई आपको ये खबर कैसी लगी इस खबर को लाइक कीजिए शेयर कीजिए साथ ही हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।